हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेम पेंडेंट बनाना सिखाऊंगी। ये नेम पेंडेंट मैंने पहले भी बताया है। सेंटर ले लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरियल है एंड 12 पॉइंट, तो कोई भी रैंडम नेम ले लेती हूँ मैं, जैसे दीपिका। अभी आप देख रहे हो ये एरियल में है, मैं इसको दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट करूँगी। आपको जो भी फॉन्ट पसंद हो आप वो चूज़ करिए। मैं ये चूज़ करती हूँ एथलेटिक आउटफिट। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप जितनी थिक फॉन्ट चूज़ करोगे उतना ही अच्छा है, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जैसे कि मैंने ये वाला फॉन्ट लिया है, इसमें आपको बाद में थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये इजी, आप को भी ये कनेक्टेड भी, आपको सिर्फ यहाँ से कनेक्ट करना होगा। मैं आपको ये करके पहले बताती हूँ एथलेटिक आउटफिट फॉन्ट का, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं कंट्रोल क्यों करती हूँ। अभी आप देख रहे हो ये, इसमें मैं कलर फिल कर सकती हूँ और ये आउटलाइन, ये पॉइंट में है, मैं इसको mm में कन्वर्ट कर देती हूँ, जिससे आपको आउटलाइन पता चले थिकनेस कितनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दिख रही है साइड में। अगर आपके कोरल ड्रॉ में नहीं दिख रही है तो आप विंडोज़ में जाइए, डॉकर, एंड देन सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज़ होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ खुलेगी, आप यहाँ पे देखिए पॉइंट है, आउटलाइन में पॉइंट, तो इसको मैं mm में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब ये हो गया mm में, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये mm में हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, जब भी थिकनेस देखनी होगी तो आप देख सकते हो, आप कोई भी टूल से, या फिर आपको साइज़ भी देखनी होगी तो आपको इजी होगा। अभी मैं इसका हेयर लाइन भी कर देती हूँ, क्योंकि आउटलाइन से आप जब कट करोगे आप कभी भी पॉइंट में नहीं रख के कर सकते हो, आपको हेयर लाइन थिकनेस लेनी होगी जो कि mm में होता है, बताता है। अभी आप देख रहे हो ये बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, और कभी भी ये इतनी पतली लाइन नहीं हो सकती, आपको मिनिमम 0.5 mm की थिकनेस लेनी ही है। तो अभी आप देख रहे हो ये 1.12 mm है, जो कि सही है, बट कहीं कहीं पे ये 0.48 है। तो जहाँ भी पतली लाइन है वो आपको फिर से वर्क करना पड़ेगा, उस पर उसको मोटी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको ब्रेक अपार्ट कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हो कुछ पार्ट नहीं दिख रहे हैं, ये क्योंकि ये नीचे लेयर पे चला गया। तो या तो आप इस लेयर को ऊपर लाओ या तो इसको नीचे ले जाओ। तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ कंट्रोल एंड प्रेस करके, जो भी आप अपर लेयर पे क्लिक करिए और कंट्रोल एंड की, आपको लास्ट लेयर पे ये लेकर जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ये सब आ गया, ये सब अनग्रुप हो रखा है, कंबाइन नहीं है। अगर आपको देखना है तो इसको सेलेक्ट करके इस पर वाइट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख रहे हो ये इतना सा पार्ट नहीं रह पाएगा, इसको आपको थोड़ी ज़्यादा थिकनेस देनी ही देनी है। तो मैं इसको हटा देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं उसे डिलीट कर दीजिए, वो आपके किसी काम की नहीं है। अभी आपको देखना है कि आपके लेटर में आपको ये चाहिए पार्ट की नहीं, अगर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए।
कोई भी जो एंड पार्ट है उसे शार्प मत छोड़े, नुकीला ना छोड़े, हमेशा उसे कर्व दे। अभी हमें ये सारे पार्ट को जॉइंट करना है। मैं इसको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से कट करूंगी। अभी आप देख रहे हैं ये इजीली जॉइंट हो जाएगा। आप याद रखिए आपको कहाँ से कट करना है। जहाँ भी आपको स्पेस कम लगे वहाँ पे स्पेस दीजिए। ये 0.38 है तो मैं इसमें इसको और कम करूँगी। देख रहे हैं हमारा पेंडेंट तैयार है। ये 23 mm का है तो हम और भी बड़ा कर सकते हैं। मेक इट 35। तो आप देख रहे हैं आप जब बड़ा किए तो आपकी ये थिकनेस भी बढ़ेगी जिससे ये ईजली कट होगा। यहाँ पे हम रिंग्स पे लगा सकते हैं या तो वो बाद में भी सोल्डर हो सकता है।
ये आप देख रहे हैं हमारा पेंडेंट तैयार है। ये हमने कंबाइन कर दिया इसको। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।